Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you, and welcome to our YouTube channel, that is EduOcean Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel, and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can, and please comment it, because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram, as well as Twitter with the same brand name in India, that is EduOcean Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications, and we will be glad to provide you the educational services. Okay student, have a nice day. जैसे कि हमने हमारे previous period में देखा, हमने बहुत सारे common factor वाले questions, multiple factor, divisibility test, ये सब part मैंने cover किया. अब हम हमारे playing weight number के most important section पे पहुंच गए हैं, that is HCM. अब ये मत बोलना कि सर पिछले period में भी आपने कहा था कि most important section divisibility है, ऐसे नहीं. Actually हमारा पूरा topic ही important है. Understand करना, अगर ये topic अगर आपका अच्छे से cover हो गया, इसमें कोई doubt नहीं कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा टॉपिक. दिस इज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर सेक्शन. ठीक है, नाउ तो अभी हमारा आज का पार्ट है एच सी एफ. व्हाट इज द एच सी एफ? इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब हम किसी दो नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, किसी तीन नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, अगर फोर नंबर्स भी दिए तो भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं. उनके स्टेप मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए मैं आपको एक नहीं दो दो मेथड बताऊंगा, जो कि मैंने आपको प्रीवियस टाइम टीचिंग किया था वो वाला मेथड एक बताऊंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला. ओके, तो चलो दोनों मेथड मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, कॉन्सेंट्रेशन देना, और उम्मीद रखता हूँ कि हमारे नाइन्थ बीट होने तक तो आपके खुद के बीट कंप्लीट भी हो जाए. ठीक है, नोटबुक वगैरह लेके स्टडी करने के लिए रेडी रहना. व्हाट इज योर फर्स्ट बीट? दैट इज 18.48. तो मैं पहला एक हमारा नॉर्मल मेथड बताऊंगा, वो नॉर्मल मेथड होने के बाद मैं एक थोड़ा सा हमारे जनरल मेथड जो कि ज़्यादा यूज़ होता है वो मेथड मैं आपको बताऊंगा. तो करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले टू फाइंड एचसीएफ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 18. इस 18 के पहले फैक्टर निकालेंगे, कौन कौन से फैक्टर हो गए? 1, 2, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, वेरी गुड, यस. 4 के टेबल में नहीं आता है, 4. 5 नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है, आफ्टर दैट 9, आफ्टर दैट 18. तो ये हो गया हमारे किसके फैक्टर? 18 के फैक्टर. अभी उसके बाद हम जाते हैं 48, दैट इज फैक्टर ऑफ कौन सा? नेक्स्ट नंबर हमारा कौन था है? 48. अब ऐसा देखा गया तो फैक्टर ऑफ 48 निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा तो जो स्टूडेंट को टेबल्स नहीं आते, लेकिन डरना मत, आगे जैसे भी हम जाएंगे दो बिट होने के बाद, यहाँ से जो मैं मेथड बताऊँगा वो एक जनरल मेथड जो कि सभी को यूजफुल है. ठीक है, चलो फिर भी जजमेंट करते हैं. ए 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है बिकॉज दिस इज एन इवन नंबर, 3 के टेबल में आता है. ओके, कहाँ पर आता है ये मत पूछना, डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना. 4+8=12, मतलब 3 के टेबल में आता है. उसके बाद 4 के टेबल में आता है, 12×4=14. 5 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में आता है, 7 नहीं आता है, 8, यस 8 के टेबल में आता है, 9 नहीं आता है, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 के टेबल में आता है, 12×4=48. उसके बाद अगर देखेंगे तो 16 के टेबल में आता है, 16×4=48. एंड फाइनली 24 एंड द नंबर इटसेल्फ 48. इतने सारे फैक्टर हैं. ठीक है, तो इसमें से अगर मैंने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखूंगा एक छोटी सी लाइन, दैट इज कॉमन फैक्टर, जो कि हमारे प्रीवियस एक्सरसाइज में अवेलेबल थी. अब हमको क्या करना है, फर्स्ट फैक्टर की लाइन में से सेकंड फैक्टर की लाइन में कॉमन सेक्शन क्या है वो अभी जज करेंगे. व्हाट इज द कॉमन इन बिटवीन देम? 1, ये कॉमन आ गया,
ओके, व्हाट इज द सेकेंड कॉमन पार्ट, दैट इज टू, व्हाट इज द थर्ड कॉमन पॉइंट, दैट इज थ्री, और उसके बाद कौन सा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो सिक्स भी एक कॉमन फैक्टर है. ओके, और कोई कॉमन फैक्टर अवेलेबल है क्या? नाइन इज नॉट अ कॉमन फैक्टर, 18 कहीं नहीं दिख रहा है. कॉमन फैक्टर तो आपको पता है जो दोनों में भी रहे, फर्स्ट नंबर में भी और सेकेंड में भी, ठीक है. अब कॉमन फैक्टर होने के बाद, जैसे कि आपको पता है द फुल फॉर्म ऑफ एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभी मैंने क्या निकाला, सी एफ, दैट इज कॉमन फैक्टर मैंने फाइंड किया. अभी इन कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कौन था, 1, 2, 3, 6, द हाईएस्ट इज 6, तो इसका एच सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6. और दूसरा जजमेंट कैसे करना है आपको, 6 के टेबल में 18 आता है, 6 इज 18, और 6 के टेबल में 48 भी आता है, 6 8 जा 48, तो ये आपका हाईएस्ट हो गया. वैसे हम 3 को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं बोल सकते, 3 को क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर, 2 को क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर. बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट का मीनिंग आपको पता है मराठी में, ज़्यादा अगर मीनिंग हम देखेंगे हाईएस्ट का, बड़ा, ठीक है. इन पूरे कॉमन फैक्टर में से बड़ा फैक्टर कौन सा, दैट इज 6, तो इसको बोलते हैं एच सी एफ, ठीक है. उसके बाद एक और मैं सेकंड बिट को एक्सप्लेन करूंगा, इस बार थोड़ा सा हम अलग मेथड यूज़ करेंगे. अभी ये मेथड में क्या होता है, एखादा स्टूडेंट एखादा फैक्टर राय लिखना भूल जाता है, इन दिस केस उसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तो उसके लिए हम भी एक न्यू मेथड बता देते हैं, ठीक है. चलो, व्हाट इज योर बीट नंबर 2, दैट इज 30, 42. अब आपके पास दो मेथड है, आप अभी अभी जो मैंने सिंप्लीफाई किया, प्रीवियस मेथड भी यूज़ कर सकते हो. अगर आपको प्रीवियस मेथड में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं तो एक और शॉर्ट ट्रिक आपके लिए दे देता हूँ, यूज़ कर लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द गिवन नंबर इन दिस फॉर्म, ठीक है. अभी आप ऐसे फॉर्म में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, व्हाट इज योर फर्स्ट नंबर, 30. आप चाहे तो साथ में इस नंबर को भी ऐड कर लेना, कौन सा आ जाएगा, 42 बाजू में, ठीक है. और ये मेथड को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था. प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किए थे, आप जरूर देखना, हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है. नाउ अभी प्राइम फैक्टर्स में क्या होता है, यू हैव टू डिवाइड ओनली एंड ओनली बाय प्राइम नंबर्स, और मैंने कुछ प्राइम नंबर्स बोर्ड पे लिख ली जो ज़्यादातर यूज़ में आने वाले, ये इन्हीं कॉमन फैक्टर्स को मुझे यूज़ करना है. अभी मुझे बताओ 30 एंड 42, ये 2 के टेबल में आते हैं क्या, यस 2 के टेबल में आते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेंगे. उसके बाद 15 2 जा हो जाएगा 30, उसके बाद यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. उसके बाद 59 21, 2 के टेबल में आते हैं क्या, नहीं आते, 2 के टेबल में दोनों नहीं आते. फिर हम नेक्स्ट नंबर की तरफ जाएंगे, व्हाट इज योर नेक्स्ट नंबर, 3, क्या ये 3 के टेबल में आते हैं दोनों, यस ये दोनों भी 3 के टेबल में आते हैं. नाउ डिवाइडेड बाय 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर्स. आगे डिवाइड नहीं करेंगे तो भी चलेगा. अब इसमें एच सी एफ कौन था है? तो कुछ नहीं स्टूडेंट्स, ये जो सेक्शन होता है ना आपका, ये एच सी एफ कहलाता है. अब हम यहाँ पे लिखेंगे एच सी एफ इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, व्हाट यू गेट हियर, 6, दिस इज योर एच सी एफ. ओके, ये वाले जो लाइन से इधर का जो सेक्शन होता है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेना. ये बहुत इजी मेथड है, प्रीवियस मेथड भी इजी था, लेकिन फैक्टर्स निकालना लेल्टी होगा, और आगे चल के इतने बड़े नंबर्स आएंगे तो और भी डिफिकल्ट जाएगा. कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ हम ये स्टेप अप्लाई कर सकते हैं. तो उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे बीट नंबर 3 की तरफ. ओके, नाउ व्हाट इज योर बीट नंबर 3, चलो पहले बीट नंबर 3 को लिख लेते हैं, दैट इज 18, 60, एंड आई विल यूज़ बोथ. अब चाहे तो आप पुराना मेथड यूज़ कर लो, फैक्टर ऑफ 18 देन फैक्टर ऑफ 60, और मे बी यू कैन यूज़ योर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एज यू विच स्टेप यू गेट इजी, यू कैन चूज योर स्टेप्स. नाउ आई विल यूज़ योर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सबसे पहले हम यहाँ पे इसका एक सेट बना लेंगे, फर्स्ट नंबर दैट इज योर 18 एंड योर लास्ट नंबर इज 60. अब इनको फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कौन से टेबल में आते हैं. अब एखादा सुन ऐसा बोलेगा, सर ये 6 के टेबल में आते हैं, करेक्ट है, बट हम 6 से डिवाइड नहीं करेंगे, कि तो हमको ओनली प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, क्यों तो उसमें मिस्टेक हो सकती है, प्राइम नंबर में कभी नहीं. चलो ये 2 के टेबल में आता है, 2 9 जा 18, 32 जा 60. अभी इसके बाद हम कौन से टेबल में आते हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है, 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, बट 2 के टेबल में 30 आता है. वी हैव टू चूज अ नंबर
जो दोनों भी नंबर में, जो दोनों भी नंबर से डिविजिबल हो। अब टू इससे तो है नहीं हो रहा है, बट इससे हो रहा है, तो उसे चूज मत करना। नेक्स्ट नंबर कौन था हमारा प्राइम नंबर, दैट इज थ्री। अगर हमने ऑब्जर्व किया 3 3 9 3 10 30, दोनों को भी डिविजिबल हो रहा है, तो हम यहाँ पे थ्री नंबर ले सकते हैं। व्हाट इज योर थ्री, 3 3 9 एंड 3 10 30। अभी कोई कॉमन नंबर है क्या जो दोनों को डिवाइड करे, 3 को भी और 10 को भी? नो, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हमारा HCF हमको मिल गया है। व्हाट इज योर HCF, जैसे मैंने आपको बताया ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 × 3 एंड व्हाट यू गेट हियर, 6। ओके, तो इसी तरह से अभी हम बढ़ते हैं हमारे बीट नंबर 4 की तरफ। ओके, जैसे ये मेथड है इजी मेथड है, अंडरस्टैंड बहुत जल्दी होता है और डिवीजन केयरफुली करना है, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आगे आते आते जैसे हमारे आगे के क्वेश्चन बढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। नाउ बीट नंबर 4 इज 27, 63। चलो इसे फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज कर लेना, 27 है, ओके 27 एंड योर नेक्स्ट नंबर इज 63, ठीक है। अब इसको सबसे पहले मुझे बताओ हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नो नो, ठीक है। व्हाट अबाउट योर नेक्स्ट नंबर 3, क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस, दिस आर द डिविजिबल बाय 3। कहाँ से डिविजिबल है बता देता हूँ, 3 9 27, ओके, एंड 3 2 6, 3 1 3। अगर एक हादसे स्टूडेंट कन्फ्यूज हुआ सर ये 21 कहाँ से आया, तो आप हमारा जनरल डिवीजन अप्लाई करके देखो, 63, 3 2 6, 6 − 6 0 होता है, टेक योर नेक्स्ट नंबर, 3 1 3, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन 21 ले सकते हैं, एज यू विच, जो आपको बेटर लगेगा आप यूज़ करना। ना वट अबाउट यर, क्या ये कोई और भी टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं, लेकिन कंडीशन दोनों भी आने चाहिए, और यहाँ पर दोनों भी आते हैं, 3 3 9, 3 7 21। नाउ क्या ये दोनों किसी कॉमन टेबल में आते हैं? नो, यहाँ पे अभी ये कोई कॉमन टेबल में नहीं आते। नाउ व्हाट इज़ योर HCF, अभी मेरे आंसर से पहले आपका आंसर आना चाहिए, जल्दी बताओ, 3 × 3, व्हाट यू गेट, 9, एंड योर HCF इज 9। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अभी आगे। चलो अभी हमारा आगे का बीट क्या दिया हुआ है, बीट नंबर 5, ओके, दैट इज बीट नंबर 5 36, 84। चलो इसे लिख लेते हैं, 36, 84। अगर हम इसे हमारे पुराने वाले फर्स्ट मेथड से अगर अप्लाई करेंगे, जो मैंने आपको बताया था हमारे फर्स्ट मेथड में फैक्टर ऑफ 18, फैक्टर ऑफ 36, फैक्टर ऑफ 84, तो 36 के फैक्टर आप निकालोगे, कोई ऑब्जेक्शन है, बट 84 के फैक्टर्स निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बड़े टेबल्स हो जाते हैं, बड़े नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, और एक आधी मिस्टेक कर सकता है, एक आधा फैक्टर वो भूल सकता है, इस वजह से यहाँ पे डिफिकल्टी बढ़ सकती है। तो इससे बेटर है जो मैं अभी मेथड बता रहा हूँ वो अप्लाई करना, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ करेंगे। नाउ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हमारा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, 36 योर फर्स्ट नंबर, 84 इज योर सेकेंड नंबर, और उसी तरह से क्या ये 2 के टेबल में आता है, 6 4, लास्ट के डिजिट को देखना होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिविजिबिलिटी टेस्ट सिखाई थी, साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट से जज करना है, क्या ये 2 से डिविजिबल है, यस, इन प्लेस कंटेन इवन नंबर, लास्ट प्लेस कंटेन इवन नंबर। चलो 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 18 2 36, और उसे डिवाइड करो 2 4 8 2 2 2, और जो स्टूडेंट को डिफिकल्ट जा रहा है वो इस मेथड से अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ व्हाट अबाउट योर नेक्स्ट नंबर, क्या ये और किसी कॉमन टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, 2 9 18, 2 21, जो कि हमने प्रीवियस, ये हमारा प्रीवियस सेक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नाउ तो ये हो गया हमारा, अब ये कौन से कॉमन टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, 3 3 9, 3 7 21। नाउ व्हाट शुड बी योर HCF, जैसे मैंने कहा ये लाइन के इधर वालों का मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 × 2 × 3, 2 2 4 4 3 12, और आप जज कर सकते हो 12 के टेबल में 36 आता है, 12 3 36, 12 7 84, 12 3 36, 12 7 84, ये हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अभी बढ़ते 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 अब हम पहुंच चुके हैं हमारे बीट नंबर 6 की तरफ। चलो देखते हैं बीट नंबर 6 क्या दिया है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, साथ में घर पे प्रैक्टिस भी करना, ये तो मैंने पूरे
टेक्स्टबुक में के क्वेश्चन लिए, आप आपके मन से सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस भी लेना जो कि थोड़ा सा बेटर रहेगा आपके लिए। नाउ व्हाट इज योर बीट नंबर, कौन सा है, अभी देखो सिक्स चल रहा है, फिफ्थ हो गया था हमारा, बीट नंबर सिक्स दैट इज 34,102। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में इसे ऐड करेंगे, तो ये हो गया हमारा एडिंग 34, सेकेंड नंबर 102। चलो तो ये कौन से टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है, 17 × 2, 17 × 34, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2। अब कंसेप्ट ऐसा है, क्या ये दोनों किसी कॉमन टेबल में आते हैं, 17 और 51 आते हैं, कौन सा टेबल है वो, दैट इज 17। ठीक है, अब इसे 17 से डिवाइड करेंगे, 17 × 1 = 17, 17 × 3 = 51। अब ये दोनों किसी कॉमन टेबल में का तो क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं होता है, और हमारा एच सी एफ क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर एच सी एफ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × 17, 17 × 2 = 34, ये हो गया हमारा एच सी एफ। तो बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट बिट की तरफ, क्या दिया है हमारा नेक्स्ट बिट, दैट इज बिट नंबर 7। और अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो अब तीन तीन नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आ जाएगा आंसर आपका। तो हमारा बिट नंबर 3 है, दैट इज 18,54,81। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले मैं इसको स्ट्रक्चर में अरेंज करता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे क्या हो जाएगा इसका, 80, 54 और 81। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, वी हैव टू चूज अ नंबर विच डिवाइड, इनमें से तीन नंबर में से मिनिमम टू नंबर को डिवीजन आपका होना चाहिए। ठीक है, तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 × 9 = 18, ये कितना हो जाएगा 27 इसे एज इट इज रखना, इसे चेंज मत करना। ठीक है, नाउ उसके बाद तो इससे बेटर एक और मेथड है वैसा, चलो वही मेथड बता लेते क्यों कन्फ्यूज करने वाली स्टेप में हम जा रहे हैं। ओके, नाउ कॉमन नंबर से ही डिवाइड करते हैं, चलो अभी हमारा स्ट्रक्चर बनाएंगे, व्हाट इज योर नंबर 18, उसके बाद आ जाएगा 54, उसके बाद आ जाएगा 81। ठीक है, अभी 2 से डिवाइड करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा, दोनों को तो डिवीजन होगा बट ये 81 से डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, हम ऐसा नंबर चूज करेंगे जो तीनों को डिवाइड करे, नॉट ओनली 2। तो 2 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है, 3, और ये 3 से डिविजिबल है। नाउ वी विल डिवाइड इट बाय 3, 3 × 6 = 18, अगर इसे 3 से डिवाइड किए, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, और अगर इसे 3 से डिवाइड किए तो ये होता है 27। ओके, 27 × 3 = 81। अभी अगर और तीनों को अगर हमने ऑब्जर्व किया, तीनों के तीनों 3 से डिविजिबल है, 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27। अब अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया 2, 6, 9, अब ये किसी कॉमन टेबल में नहीं आते, हाँ ये दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं बट डिवाइड नहीं करेंगे, ये दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हैं बट हमको डिवीजन नहीं करना है, वो एलसीएम में करना होता है, दो नंबर को भी डिवीजन हो रहा है, यू कैन गो विद डिवीजन एलसीएम में। अभी हमारा कौन सा चल रहा है, एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अभी हमें हमारा एच सी एफ लिखेंगे, व्हाट इज योर एच सी एफ, 3 × 3 एंड व्हाट यू गेट योर आंसर, दैट इज 9। तो इस तरह से हो गया हमारा सेवेंथ बिट। ओके, तो अभी बढ़ते हैं हमारे बिट नंबर 8 की तरफ, क्या दिया हमारा बिट नंबर 8, चलो सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ओके, व्हाट इज योर बिट नंबर 8 एंड दैट इज योर 50, 60, 70। चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, दोनों को ऐड करके रख देंगे, 50, उसके बाद हो जाएगा 60 और हमारा लास्ट नंबर होता है 70। ठीक है, तो यही रूल हमारा अप्लाई करेंगे, अब देखा गया तो ये 5 के टेबल में आता है। ठीक है, इफ़ यू अभी दोनों, अभी देखो तीनों नंबर है, आप 5 से डिवाइड करेंगे तीनों भी नंबर आपके डिविजिबल रहेंगे, इफ़ यू वांट यू कैन डिवाइड इट बाय 2 ऑल्सो, ये सभी के सभी 2 से भी डिविजिबल रहेंगे। ठीक है, आपकी चॉइस, चलो मैं 5 से डिवाइड करता हूँ बट कंडीशन याद रखना तीनों कॉमन टेबल में आने चाहिए, 5 × 10 = 50, और ये कितना हो जाएगा 12 × 5 = 60, और ये कितना हो जाएगा 14 × 5 = 70। ओके, तो अब यहाँ पे अगेन ये कौन से टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में,
चलो डिवाइड करते हैं इससे, व्हाट यू गेट हियर, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। अभी 5 6 7 किसी कॉमन टेबल में नहीं आते, तो हमको यहाँ पे रुक जाना चाहिए डिवीजन के लिए, और अब यहाँ पे हम लिखेंगे एच सी एफ, व्हाट यू गेट, 5 × 2, दैट गिव्स यू 10। तो स्टूडेंट्स मेरी तरफ से आपका बीट नंबर 9, ये आपको छोटा सा मेरी तरफ से होमवर्क रहेगा, इसे अटेम्प्ट करना और मुझे ज़रूर बताना कि आंसर कितना है। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, व्हाट इज दैट, व्हाट इज एच सी एफ ऑफ 2 consecutive। तो मैंने कुछ वीडियो पहले मैंने एक बार आपको बताया था ये consecutive का मीनिंग क्या होता है। consecutive का मीनिंग होता है क्रमानुयायी संख्या, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट किसका निकालना है, 2 consecutive नंबर। तो 2 मिनट के लिए मैं क्या कंसिडर करता हूँ, मन से कोई भी नंबर ले लो, 7 और 8। ठीक है, 78 मत बोलना ऐसे, 700। तो ये किसी कॉमन टेबल में नहीं आते, किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते, ये 1 के टेबल में आते हैं, 7 1 7 8 1 8। ठीक है, तो किसी 2 consecutive नंबर्स का एच सी एफ होता है 1। इसे आप थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लिखना, मैं आपको शॉर्ट में आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद देखा गया तो दूसरा क्या दिया है, 2 consecutive। अब क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, 2 consecutive इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर के बारे में किससे करना है, देखो कोई भी 2 इवन नंबर से लो, चलो मैं कंसिडर करता हूँ 12 14। यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल ऑफ दैट। अब ये 12 और 14 को कौन से टेबल में आते हैं, अब हम इसे 2 मिनट के लिए क्या करेंगे, हमारे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको बताइए 2 के टेबल में आते हैं, 2 6 12, 2 7 14। अभी नेक्स्ट देखेंगे 6 और 7 किसी कॉमन टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका डिवीजन कंप्लीट हो गया, मतलब एच सी एफ कितना आया, 2। तो इसका एच सी एफ कितना होता है, 2। आपको उसको कुछ एग्जाम्पल के साथ सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है, एग्जाम्पल देना होता है आपके एग्जाम में और सिंप्लीफाई करना होता है। और अभी हम देखते हैं हमारा लास्ट बिट, जो कि हमारा बिट नंबर 3 है, ऑड नंबर्स। तो पहले मैं क्या करूँगा, 2 ऑड नंबर चूज़ करूँगा। ठीक है, कोई भी 2 ऑड नंबर ले लेना, मैं कंसिडर करूँगा यहाँ पे 11 13। आप 5 7 भी कंसिडर कर सकते हो, 17 19 ले लो, कोई भी 2 ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर्स मतलब कॉन्जिक्यूटिव, जैसे 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है, 13, 13 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 15। ब्रेकिंग मत करना, नहीं तो एक आधा सुना ऐसा करेगा, एक नंबर लेगा 11, दूसरा नंबर लेगा 15। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है स्टूडेंट्स, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं, कि तो बीच में एक नंबर छूट रहा है, दैट इज 30। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्रमानुयायी संख्या, ऑड नंबर चूज किए तो 11 13 15 17 या फिर 3 5 7, ये कॉन्जिक्यूटिव हो गए। ओनली इवन नंबर की बात करेंगे तो कौन से हो जाएंगे कॉन्जिक्यूटिव वाले, 8 10 12 14 16, क्रमानुयायी संख्या, बीच में दूसरा ये कोई इवन नंबर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, नाउ इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के टेबल में आते तो इसका एच सी एफ कितना होने वाला है, 1। जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है ना, उसका 1 होता है। जैसे कि हम हमारे प्रीवियस मेथड में देखेंगे, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 11, 1 कॉमा 11, और 13 के फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे, 1 कॉमा 13। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, दैट इज ओनली एंड ओनली 1। तो कॉमन फैक्टर ही अगर 1 है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन जाएगा, 1। तो यहाँ से जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, जैसे ये हो गया और ये हो गया, तो इसकी एक डेफिनेशन बनती है, तो एक नया नंबर आपके सामने आता है, को प्राइम नंबर, आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं आपको को प्राइम नंबर क्या होते हैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है, नंबर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। किसी भी 2 नंबर को अगर हमने जजमेंट किया और उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकला, इन दिस केस वी कैन कंसिडर इट एज अ कॉमन को प्राइम नंबर। ठीक है, द को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, तो स्टे सेफ स्टे होम। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो में लूँगा उसमें आपको एच सी एफ होने के बाद लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एल सी एम के बारे में बताऊँगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एच सी एफ से रिलेटेड ही एल सी एम है, एच सी एफ अगर समझ में आ गया तो एल सी एम भी आपको समझ में आएगा, उसके बाद हम उसके रिलेटेड एच सी एफ एल सी एम के कॉमनली कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह अटेंड कर आप बोर्ड के ऊपर सिंप्लीफाई करके देखेंगे। ठीक है, स्टे सेफ स्टे होम।